जय हिंद वॉशरमैन वालों, आप लोगों के हाल चाल है। मतलब कि कोई भी वीडियो अपलोड करो, आर्मर का करो, नर्सिंग असिस्टेंट का करो, कोई भी वीडियो अपलोड करो, आप लोगों का उसमें कमेंट आ रहा था कि भैया बताओ वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे फिजिकल का मैं बता दिया था, जो मुझे अपडेट मिला था एग्जैक्ट रनिंग के बारे में, मैं वो आपको तुरंत बता दिया था कि क्या कैसे हो रहा है। लेकिन जो ट्रेड टेस्ट का मैं आपको क्लियर कर दिया था कि मैं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको बता पाऊंगा? क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था। तो अब आपका 1, 2, 3, 4 तारीख तक का मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है, क्या कैसे हुआ है। आज है आपका 5 सितंबर, हैप्पी टीचर्स डे, टीचर्स डे है आज। और क्या है, क्या क्वेश्चंस है उस पे आते ट्रेड टेस्ट पे, क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियोस और लोगों को देना और काफ़ी जो अलग अलग ट्रेड हैं। चलिए आपको सबसे पहले बता देता हूँ और आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका अभी कोई छोटा सा पोर्शन नहीं, आपका भी बहुत बड़ा सा वास्ट एरिया है, आपको भी उसमें तैयारी करना। तो पहला क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, तो वॉशिंग जो आपका है, वॉशरमैन है, तो वॉशरमैन के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि यह कमेंट आने वाला, मैं इसके लिए इसीलिए पहले से बता दे रहा हूं। तो अब इसके लिए वॉशिंग मशीन के बारे में आप सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। वॉशिंग मशीन में आप क्या जानेंगे कि वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। और हाँ, पिछला वाला जो वीडियोस है ना, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वैसे मैं एंड स्क्रीन, जैसे ही आपका ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वहाँ पे मैं वीडियो को दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको भी। वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल, वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, वॉशिंग मशीन के पार्ट्स के नाम, कौन सा पार्ट्स कहाँ है, जहाँ से पानी निकलता है, वेस्ट वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, जो अंदर का चलता है ना तो उसको क्या बोलेंगे, रोलर। उन सब का पर्टिकुलर नेम याद करिएगा, या नहीं क्यों घूम रहा है हमारे जैसे बोलिएगा, ठीक है। और उसमें जो गियर होता है, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यूट्यूब पर के खोल करके कोई भी, जैसे अब मैं तो बनाने वाला हूं नहीं, जो बनाने वाला है और अच्छे तरीके से आपको बता सकता है। तो आप जाकर के, आपका काम है कि आप खुद जाकर के रिसर्च करिएगा, यह पहला पॉइंट हो गया। यही अब वहां पे यही क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा था, पार्ट्स का नाम वॉशिंग मशीन का, जो भी मैं बताया हूं। आइडेंटिफाई द क्लॉथ्स, आपको कपड़ा रख दिया रहेगा, उसमें से आइडेंटिफाई करना रहेगा, पता करना रहेगा कि यह कौन सा है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, रेजिन है, कौन सा यह क्लॉथ है, उस टाइप के क्लॉथ्स को आपको पहचान के बताना रहेगा। और किस क्लॉथ पे, किस टाइप के क्लॉथ पे आप कितना डिग्री टेम्परेचर देंगे प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, ताकि वो सही रहे, दिया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे बता दिया, और उसका टेम्परेचर के बारे में जान लीजिए, टेम्परेचर कितना सेट करना है, और टाइप जान लीजिएगा, ठीक है। और किस क्लॉथ को, या जो टाइप अभी को आप देखे हैं ना, पॉलिस्टर, रेजिन, कॉटन, जो भी है, तो इनको हम कैसे धुलेंगे, वॉश करने का इनका तरीका, और वॉशिंग मशीन का आपका बताई दिया कि पार्ट्स के बारे में, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, कैसे जब आप आयरन कर लोगे क्लॉथ को, आप कैसे उस कपड़े को फोल्ड करोगे, ठीक है। शर्ट को कितनी बार फोल्ड करोगे, जैसे शर्ट को जब आयरन किए तो शर्ट को कितनी बार फोल्ड करना है, और जो फौज का कपड़ा होता है, वर्दी होता है, उसको कैसे आयरन किया जाता है और कैसे फोल्ड किया जाता है, यह भी पूछा जाएगा। और साथ में बता दूं कि आपसे प्रैक्टिकली भी करवाया जाएगा, अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसमें से 8 क्वेश्चन के लगभग आप बता देंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। यही है आपका नेचुरल सिंथेटिक और पॉली सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। वॉशिंग पाउडर, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उनके नेम, केमिकल फार्मूला, ठीक है, कौन कौन सी अलग अलग कंपनी है, क्या इसका केमिकल फार्मूला है, कैसे यह वर्क करता है, इसके बारे में भी, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक जो भी होता है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। वॉशिंग के लिक्विड का नेम, जो लिक्विड यूज होता है, तो पाउडर हो गया डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर हो गया जो, अब लिक्विड के भी बारे में जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा लिक्विड है नेम, और उधर भी डिटर्जेंट पाउडर के भी नेम। आयरन का टेम्परेचर स्पेसिफिक क्लॉथ के लिए, एक निर्धारित कपड़े के लिए, कॉटन के लिए कितना चाहिए, आपके पॉलिस्टर के लिए कितना चाहिए, हर एक क्लॉथ के लिए कितना टेम्परेचर आपको देना है, और आपको प्रैक्टिकल करवा करके बताएंगे। और आपको ड्राई क्लॉथ, कपड़े को कैसे सुखाना है, ड्राई कैसे करना है, सुखाने का तरीका, कौन सा कपड़ा धूप में डालना है, कौन सा छांव में, कैसे कैसे, उसके बारे में आप
से पूछा जा रहा है। फौजी ड्रेस को आयरन करना, हाथ से कपड़े धुलने का तरीका, हाथ से आप कैसे कपड़े को धुलेंगे, ठीक है। और लास्ट में आते हैं बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन आप जान लीजिए कि स्टेन कोई बोल रहा था इंग्लिश में क्वेश्चन बताने के लिए, तो अब इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन बताऊं, चलिए अभी सोचो, आई विल ट्राई टू कवर। स्टेन को हटाने के लिए केमिकल नेम, स्टेन यानी कि दाग को हटाने के लिए आपका केमिकल का कौन सा यूज होगा, नेम में बोल दिया हूँ। स्टेन आपका जो दाग लग जाता है तो उसको हटाने के लिए कौन कौन से केमिकल का प्रयोग आप करेंगे इसके बारे में। तो चलिए अब जो इंग्लिश वर्जन वाले, इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, और जो लोग अभी आप लोग भी रुके रहिएगा क्योंकि लास्ट में जा करके आप क्या करिएगा, वीडियो में दे दूंगा वॉशरमैन का जो भी है आपका, और क्वेश्चन जो मैं तैयार किया था उसको भी देख लीजिएगा। फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश, आइडेंटिफाई देयर विल बी द क्लॉथ ऑन अ टेबल एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई द क्लॉथ, इधर इट इज कॉटन, पॉलिस्टर और वॉट एवर, ओके। सो यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग। एंड नेक्स्ट वन इज हाउ टू वॉश द क्लॉथ, द वे, द प्रोसीजर टू वॉश द क्लॉथ। एंड coming towards the next question, they will ask you about the washing machine and its part, its principle. You have to go and research in a deep way about all these things. They will next question, folding and ironing of cloth. And next sub part is that how to fold shirt and how to fold pants. And in that you have to also know that what is the procedure to iron the military uniform and how to fold it, and they will give you the uniform and you have to do it iron practically, okay. And coming towards the next question is that the washing powder name, you have to know about the washing powder name and use and the chemical formula, and also washing liquid name. And coming towards the next question is that the iron temperature for the specific cloth. Next question, how to dry cloths. And coming towards the last but not the least is that how to remove the stain from the cloth. यह था आपका इंग्लिश वाले लोगों के लिए छोटा सा एक मिनट में, और बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।